वेल, आप में से बहुत सारे लोग अब SIP के बारे में तो जानते हैं कि आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हो और एक टाइम के बाद 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। बट ये SWP आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है। ये SWP क्या होता है? एक होता है SIP जिसे बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और SWP की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब ये क्या होता है इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताना। तब तक के लिए पहले मैं SWP के बारे में आपको डिटेल में समझाता हूं, इनफैक्ट दिखाता हूं कि SWP किस तरीके से काम करती है। देखो, SIP उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो हर महीने पैसे कमा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में या फिर डेट फंड्स में जहां से फिक्स्ड इनकम आ सकती है उसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे और उन्हें पता है कि कुछ टाइम के बाद कंपाउंडिंग की पावर की वजह से पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो SWP को दिखाने से पहले मैं आपको सिंपली SIP कैलकुलेटर पर लेकर जाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, नए लोगों को भी क्लियरली समझ आ जाएगा। तो SIP में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं महीने की 5000 की भी SIP कर रहे हो और 12% के हिसाब से आपकी रिटर्न बन भी रही है तो 10 साल के बाद आपके पास पैसा होगा लगभग 11,60,000 से ऊपर। आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 6 लाख थी और आपकी जो रिटर्न आई है वो 5,61,000 के आसपास आई है। आप कोई कहेगा कि भैया 12 की जगह मैं 15% की रिटर्न निकाल दूंगा तो पैसा और ज्यादा हो जाएगा। बट SWP क्या होता है इसे समझते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनके पास एक बड़ा अमाउंट अभी के अभी है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया ये अमाउंट की मुझे जरूरत नहीं है बट मेरे हर महीने कुछ फिक्स खर्चे। मान लेते हैं कोई आदमी रिटायर होता है और रिटायरमेंट का फंड मान लीजिए या कहीं से FD की मैच्योरिटी आ रही है या कहीं से पैसा आ रहा है, किसी भी तरीके का वो फंड हो सकता है। आपके पास मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए आ गया। अगर आपके पास 1 CR आ गया और आप कहते हो भैया ये 1 करोड़ रुपया उठा के, पहली बात तो 1 करोड़ कितनों का है मुझे पता नहीं बट इसी तरीके से 1 करोड़ की जगह 10 लाख भी कर सकते हैं आप। तो मैंने अभी एग्जांपल के लिए 1 करोड़ लिया जिससे आपको कैलकुलेशन समझ आ जाए, फिर हम ऊपर नीचे कर देंगे। अगर आपके पास कहीं से 1 CR का फंड इकट्ठा हो चुका है, आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, FD की मैच्योरिटी आ रही है, भाई कहीं से LIC की पॉलिसी कर रखी थी अब वो मैच्योर हो रही है या रिटायरमेंट का फंड है, पैसा कहीं से भी आ सकता है, पैसा होता है आपके पास पहले ही हो। बट अब आप कहते हो भैया मैंने तो 1 करोड़ डाल दिया बट मेरे महीने का खर्चा फिक्स है, मेरा लगभग 50,000 रुपए के आसपास का खर्चा होता है, मेरे बिजली का बिल आता है, मेरे कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस है, कुछ मेडिसिन के एक्सपेंसेस है, घर का राशन आता है, सब कुछ मिला मिलू के मेरे 50,000 के एक्सपेंस है और 50,000 के एक्सपेंस में मेरी जिंदगी ओके चलती है। अब मुझे उस पैसे को लेना देना नहीं है, वो पैसा बढ़ता रहे और मेरे को 50,000 रुपए हर महीने मिलता रहे। अब आप इसे 50,000 की सैलरी बोलो, 50,000 की मंथली इनकम बोलो, बट आपको 50,000 तो चाहिए। तो अगर आप कोई फंड में, अब वो फंड कौन सा होगा कैसे होगा इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, मान लेते हैं आप किसी म्यूचुअल फंड में, मान लेते हैं वो हाइब्रिड प्लान है। हाइब्रिड प्लान क्या होता है जस्ट मैं अभी इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। हाइब्रिड प्लान में या फिर सिंपली इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाला जहां पे लगभग साल की 12% के आसपास की आपको रिटर्न्स मिलती हैं। अब ये रिटर्न्स कैसे मिलती हैं, कैसे दिखती हैं, इसके ऊपर भी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। बट आप उसके बाद अपना टेन्योर सेलेक्ट करते हो। टेन्योर क्यों सेलेक्ट करना होता है, हमें ये देखने के लिए कि भैया अगर मैं 50,000 रुपए हर महीने निकालूंगा अभी और 1 करोड़ रुपए डाल भी दिया तो भाई 10 साल के बाद वो पैसा कितना होगा। तो आप यहां पर देख लो 10 साल के बाद लगभग वो 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ नहीं रहेगा 2 करोड़ हो जाएगा और आपको हर महीने 50,000 मिलता भी जा रहा है। अगर आप यहां पर ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो अगर 10 साल की जगह मैं 15 साल करूंगा तो ये पैसा 3 करोड़ को क्रॉस कर गया है और अगर मैं 20 करूंगा तो अब ये 4 करोड़ नहीं होगा, उससे भी ज्यादा हो जाएगा, लगभग 5 करोड़। तो जितना ज्यादा टाइम आप उस पैसे को पड़े रहने दोगे तो पैसा तो बढ़ता चला जाएगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 20 साल में आप देख रहे हो 5 गुना हो गई। तो 5 गुना इन्वेस्टमेंट भी हो गई और जो आपका मंथली खर्चा है वो भी चल रहा है। इसीलिए कई सारे लोग बोलते हैं कि SWP बेटर होता है, बट पॉइंट ये है SWP उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनके पास एक बड़ा कॉर्पस आज की रेट में है, आपके पास बड़ा पैसा अभी के अभी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये तो फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? अब अगर आप कहोगे जी मेरे पास तो 10 लाख रुपए, आप देखो फेल कैसे होता है। जैसे मैंने 10 लाख किया और आप कहोगे अब मुझे खर्चा तो 50,000 है, अब मैं बोलूँ 5,000 का खर्चा तो 5,000 में काम होगा नहीं आपका, आप कहोगे 50,000 का खर्चा है, तो अगर आप 50,000 रुपये यहाँ पर 50,000 रुपये विड्रॉ करोगे 10 लाख रुपये डाल के और 12% की रिटर्न आ रही है तो 20 साल में भी कुछ नहीं होगा। जो लोग इंटरनेट पे वीडियो बना रहे हैं ना, पैसा तो बस आता ही चला जाएगा, तो उसके लिए पहले पैसा होना चाहिए। और अगर पैसा नहीं है तो आपका यहाँ पर तो यार माइनस में दिखा रहा है फंड,
तो आपने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख, आपको रिटर्न अगर इतनी चाहिए तो उसके बाद भी आप भैया 3.5 करोड़ रुपये नेगेटिव हो, जो कि फिजिबल ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, आपको पैसे आएगा ही नहीं। आपको पैसा कितने टाइम के लिए आ सकता है ये देख लो, अगर मैं सिर्फ 2 साल भी करूंगा तो 2 साल तक आपका पैसा ही आपको वापस आ रहा है, और उसके बाद भी आप 86,000 रुपीज माइनस में हो गए। अगर 12% की रिटर्न बन भी रही है, मैं कह रहा हूँ 12 की जगह 15 भी बन गई तो भी आप नेगेटिव में ही खड़े हो, और 15 की जगह 20 भी बन गई तो आप सिर्फ ब्रेक इवन पे खड़े हो, मतलब जो पैसा डाला था बस वही वापस आया है और कुछ नहीं है। आपका फंड अगले 2 की जगह 3 साल भी नहीं चलेगा, आप नेगेटिव ही जाओगे। कहने का मतलब यह है SWP सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में आके एक बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट के बाद उनको रिटर्न चाहिए, बट शर्त यह है इनिशियल कैपिटल बड़ा होना चाहिए। अगर आपका 50,000, आपको कहें हाँ अगर 50,000 की जगह मेरा 20,000 में काम चल जाएगा तो कुछ हो सकता है। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, 20,000 रुपए चाहिए तो कुछ हो सकता है, बट इस कुछ में भी 20% की रिटर्न नहीं आएगी मार्केट से। ये 20% की रिटर्न हाइपोथेटिकल रिटर्न है, आप यहां पर 12% ही लगा के चलो, और अगर आप 12% लगा रहे हो तो आपको समझ आ रहा है कि यहां पर फंड नेगेटिव नहीं जा रहा। तो ये कैलकुलेशन आपके लिए क्यों बेटर है, आपको ये पता लग जाए कि आपके पास फंड कितना है और आप अगर उस फंड से कितना विड्रॉ करोगे सो दैट आपके पास कितना नेट बैलेंस रह जाएगा, और अगर आपने इस फंड को पड़े भी रहने दिया तो क्या होगा। देखो 5 साल तक यहां पर पैसा आता रहेगा, बट जैसे ही मैं यहां पर 5 की जगह 6 साल पर भी जाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप पहले कर लेना, क्योंकि आप अल्टीमेटली अपने ही पैसा विड्रॉ कर रहे हो। अब ये विड्रॉल भी उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें पता है मेरे को फिक्स जितना चाहिए। अगर आपको कभी ज्यादा चाहिए होगा और आप ज्यादा पैसा निकालोगे तो ये सिस्टम फेल हो जाएगा। ये सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जिन लोगों को मंथली खर्चा फिक्स है और एक बड़ा कॉर्पस है। अब मैं इसका एक बड़ा फेलियर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। इवन आपके पास बड़ा पैसा है, आपका बड़ा नुकसान हो सकता है SWP में। बड़ा नुकसान मतलब एक्चुअल में बड़ा नुकसान। 1 करोड़ रुपए डाल भी दिया ना तो ये इंटरनेट पे कोई बताएगा नहीं, आपका 50 लाख का 60 लाख का घाटा भी हो सकता है। आपको कोई इतना बड़ा घाटा तो क्यों डालना है इसमें पैसा, तो किसने बोला आपको डालने के लिए, कौन बोल रहा है? और जो लोग बोल रहे हैं डालने के लिए, क्या उन्होंने अपना पैसा डाल रखा है SWP में? एक बार उनसे पूछो जरा कमेंट करके कि भैया आप अपना दिखाएंगे जरा SWP का अपना पोर्टफोलियो, आपने कितना पैसा डाला था। कोई इंटरनेट पर समझदार इंसान, मुझे नहीं लगता अगर वो समझदार है तो बड़ा पैसा अपनी यंग एज में, अगर कोई बुढ़ापे में चला गया तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वहां पर उन्हें पता भी है 10-20-30 साल के लिए पैसा चाहिए और हमारा पैसा आता रहेगा, कुछ बढ़ भी जाएगा तो एक अलग बात है, बट मुझे लगता वहां पर भी SWP में पैसा डालना समझदारी, और खासकर इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में। अगर आप रिटायरमेंट की एज पर हो तो फिर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आपको 100 माइनस एज रूल से करना चाहिए। अगर किसी की एज 60 हो गई, 65 हो गई, तो 100 में से 60 हटा दो, सिर्फ 40% इक्विटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जो मैंने बोला था हाइब्रिड प्लान क्या होता है और कैसे दिखेगा CAGR, आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करो, जैसे आप लॉगिन करते हो इस तरीके की कोई स्क्रीन दिखेगी, आप यहां पर मोर पर जाते हो, म्यूचुअल फंड्स आपको दिखते हैं, आपको यहां पर सारे म्यूचुअल फंड्स दिख जाएंगे, आप व्यू ऑल कर लो और उनकी जो रिटर्न्स आ रही हैं आपको वो भी दिख जाएंगी। सो आप यहाँ पर सारे फंड सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी फंड्स अगर आपको देखने हैं तो आप देख सकते हो। तो जैसे ही मैं सेलेक्ट ऑल करूंगा यहाँ पे आपको सारे फंड्स आ गए, इनका CAGR आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब जो यहाँ पर आपको CAGR दिख रहा है, मैंने आपको बताया आप लगभग 12% मान के चलो। अब इसके अलावा जैसे मैंने बोला था हाइब्रिड प्लान क्या होते हैं, ये आप यहाँ पर जाके ना सेलेक्ट कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे इक्विटी लिंक की बात हुई थी, जैसे कि यहाँ पे इक्विटी प्लान्स हैं, यहाँ पे हमने इक्विटी के सारे सेलेक्ट कर रखे थे, ये हाइब्रिड है। नीचे अगर आप जाएंगे थोड़ा सा तो आपको यहाँ पे हाइब्रिड प्लान दिख जाएंगे। हाइब्रिड में क्या होता है, पैसा इक्विटी में भी लगता है, डेट में भी लगता है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप पढ़ सकते हो कि पैसा कहाँ पे इसका एलोकेशन हो रहा है। सो आप कोई भी फंड हो उसके बारे में पढ़िए, उसकी परफॉर्मेंस देखिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। और सिंपली ये, अगर आप हर महीने पैसे कमा रहे हो सो SIP बेटर है, बट SWP में नुकसान क्या हो सकता है वो तो आपको मिलेगा अगली वीडियो में। तो आपको कॉमेंट करके लिखना है वी वॉन्ट नेक्स्ट वीडियो, वो बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है, मिस नहीं करनी है। और आई होप आपको SWP डिटेल में समझ आ चुका होगा। अगर आपको समझ आ गया तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स खरीदने, ETF खरीदने, म्यूचुअल फंड खरीदना है, या फिर आपको SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, तो आप सिंपली एक फ्री डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, और आप रेफर अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसे कमा रहे हैं रेफर अर्न के थ्रू, सो आप भी कमा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।